देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स। दोस्तों, ये डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स की डिमांड आ रही थी मेरे पास, तो इसके लिए मैंने एक नई वीडियो बनाई है। तो आप इसकी वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को रेड बटन पर दबाकर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब हम फ्यूचर में वीडियोस डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साइड में बेल आइकन आता है, आप उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं डबली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम्स क्या होता है। दोस्तों, आपने सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम्स तो सुने ही होंगे। देखिए, सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम्स में क्या होता था, मैं चलो आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी, सपोज कीजिए ये कोई भी हमारे पास एक बीम है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस। तो हम क्या करते थे, सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम में स्टील प्रोवाइड करते थे हमारे टेंशन जोन में। अब ये तो आप सब आप लोग जानती हैं कि निया जो नीचे वाला जोन होता है वो टेंशन जोन होता है, और ऊपर वाला कंप्रेशन जोन होता है। तो जब हम क्या कर रहे थे, सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम था तो उसमें हम टेंशन जोन में कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे थे, स्टील प्रोवाइड कर रहे थे। जो मतलब इस कंक्रीट तो पूरे में होती है, और जो स्टील हम जो क्या कर रहे थे, हम टेंशन वाले जोन में प्रोवाइड कर रहे थे। तो उसको हम किससे लिखते थे, एएसटी से। तो दोस्तों हुआ क्या कि अगर बहुत सारे किसी हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आया जिस पर किसी भी मोमेंट जो लोड आ रहे थे उनका मोमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसको बैलेंस करने की वजह से क्या हुआ कि हमें एक्स्ट्रा स्टील हमें अपने सेक्शन में प्रोवाइड करनी पड़ी। वो हम प्रोवाइड करते हैं फिर कंप्रेशन जोन में। तो देखिए, कंप्रेशन जोन में जो हम स्टील, जैसे आप जानते हैं कि ए स्टील लिखते हैं हम किसको, जब हमारी एरिया ऑफ स्टील होती है टेंशन में, और यदि हमारी हम कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड कर रहे थे तो हम उसको लिखेंगे ए एस सी, यानी कि एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन जोन। ये ऊपर वाला होता है हमारा कंप्रेशन जोन, और नीचे वाला होता है हमारा टेंशन जोन। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, ऊपर वाला कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का हमारा टेंशन जोन, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू से था। देखिए, अब जैसे आप जानते ही हैं कि हम कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो हम लेते थे, ये लेते थे स्मॉल डी, जो कि क्या होती थी हमारी इफेक्टिव डेप्थ। टोटल कितनी होती थी, टोटल हम कैपिटल डी लेते थे, जो कि होती थी हमारी टोटल डेप्थ। स्मॉल डी क्या होती थी हमारी इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारी इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ यानी कि बी। अब देखिए, जो एरिया ऑफ स्टील की भी हम जो इफेक्टिव डेप्थ लेंगे कंप्रेशन जोन तक की, वो लेंगे स्मॉल डी डैश, ठीक है। दोस्तों ये तो थी, अब जो इसके कुछ सिंबल्स वगैरह थे, कुछ नोटेशंस थी, वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमें डब्ल्यू आर सी सी बीम की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि कभी भी किसी बीम पर जो मोमेंट आ रहा है, वो सपोज कीजिए कि जो इतना मोमेंट वो झेल पा रहा है उससे कहीं ज्यादा मोमेंट उस पर आ जाए, तो हमको क्या होगा, सिंगली रीइंफोर्स बीम तो हम उसमें नहीं डाल पाएंगे। इसलिए हम उस केस में क्या करते हैं कि एक और यहाँ पर जो है हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू रीइंफोर्स। और दूसरा केस मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमें क्या होता है कि कभी कभी बेडरूम का साइज बढ़ाना होता है, रूम हमको है 3x4 का, 4x3 का, और इसको हमें बड़ा करना होता है। सो अगर हमने सिंगली इन्फोर्स करा कि अगर एक ही उसमें ज्यादा स्टील डाल दी एरिया में, तो वो क्या करेगा, हमको हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब हमारे रास्ते में, मतलब हम जाएंगे तो वो मतलब रुकावट पैदा करेगा। और अगर हम उसकी जगह वहां से थोड़ी स्टील कम करके कंप्रेशन जोन में डाल दें तो वो हिंड्रेंस हमारे में नहीं करेगा। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि यदि आपका जो घर है वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया लगेगा, इसका बहुत लिमिटेड साइज और अपीरेंस इसका जो होगा वो ज्यादा बढ़िया होगा एज कम्पेरिजन टू अगर हम इस ज्यादा ही स्टील प्रोवाइड करते हैं टेंशन में। दोस्तों हमारे कुछ फ्रेंड्स ये भी कह रहे थे कि भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इसमें ही ना डालें, हम इसी में ही एक्स्ट्रा डालते हैं, अब स्टील में ही जितने हम एक्स्ट्रा डालें उतने हम यहाँ डाल दें। दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा कर दिया तो हमारा जो बीम है वो ओवर इन्फोर्स हो जाएगा, और बीम आप जानते हैं ओवर इन्फोर्स में फेल हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने जो एक्स्ट्रा हमारी स्टील थी वो हमने कंप्रेशन जोन में डाली है। ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आप में जो नेसेसिटी थी आरसीसी बीम की वो क्या थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, फिर अब उसके बाद एक हमारा टर्म आती है इसमें इक्विवेलेंट एरिया। दोस्तों आपने जब सिंगली रीइंफोर्स बीम पढ़ा होगा, और वहां आपने वो सिंगली रीइंफोर्स बीम में जब आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सोल्व किया होगा, तो दोस्तों आपने एक वहां पर एक टर्म पढ़ी होगी, उसमें क्या था कि देखिए, जैसे कि अगर हम इस सेक्शन में से, इस टेंशन जोन में से स्टील निकाल लूं मैं, तो जितनी स्टील निकाल लूं तो मैं इसकी जगह कितनी कंक्रीट वापस इसमें भरूं, इतनी स्टील को निकाल लूं मैं इसमें से और इसकी जगह वापस कितनी कंक्रीट मैं इसमें भरूं कि मेरा सेक्शन बैलेंस हो जाए। तो वो आप सब जानते थे, वो होती थी आपकी एम ए एस टी, जहां पे एम क्या होता था आपका मॉड्यूलर रेशियो, और ए एस टी क्या होता था एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन जोन, ठीक है। और आप एम की वैल्यू जानते थे कि एम की वैल्यू कैसे निकलती थी, वहां पर एम की वैल्यू निकलती थी 280/3 सिग्मा सी बी सी। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए
एएससी टू, अब हम कितना एएससी मतलब इसमें से निकाल लें कि वापस हम उतने ही कॉमोडिटीज में भर दें, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं स्टील कॉस्टली होती है, और यदि कहीं स्टील अवेलेबल नहीं हो पाई तो इसको हम निकालें, कितना हम कॉन्क्रीट इसमें डालें वो होती है आपकी 1.5 m-1 इंटू एएससी। अब आप एम जानते हैं, एम वही मॉड्यूलर रेशियो, और एएससी आपका एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में नहीं आई ये बताइए पहले। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका मैं साइड में आपको इसका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो बना देता हूँ। जैसे यहाँ न्यूट्रल एक्सिस आएगी, चेंज कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिंगली रिइंफोर्स बीम की तरह ही चलेगा सब। जैसे यहाँ क्या स्ट्रेस वाले देते थे हम सिग्मा सीबीसी, ये हमारी पूरी न्यूट्रल एक्सिस थी, तो इसको हम क्या मानते थे एक्से। और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेसेस इसमें डेवलप होंगे वो हमने मान लिए सिग्मा सीबीसी स्ट्रेसेस यहाँ डेवलप होंगे। ठीक है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है पूरा डी, ये कितना है, ये वही आपका सिग्मा यहाँ से यहाँ तक सिग्मा ST/m, और ये कितना है आपका D-X। ठीक है, अब देखिए इसमें सिमिलरिटी ट्रायंगल वाली हम अगर वो लगाएं तो क्या होगा, सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा सीबीसी डैश बटे, देखिए अब मैं आपको बता दूं ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक तो डी डैश है, ये भी बताया यहाँ से यहाँ तक डी डैश, और पूरा एक्स है, तो ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक एक्स बाई जो डी डैश बचा, तो क्या हुआ सिग्मा सीबीसी बटे एक्स इज इक्वल टू द सिग्मा सीबीसी डैश बटे एक्स माइनस का डी डैश। ठीक है, तो सिग्मा सी बी सी बटे एक्स है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, फिर हम आपको आसानी से बताएंगे। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आपने वर्किंग स्ट्रेस में पढ़ा था, तो यहाँ से सिग्मा सी बी सी डैश का आप आराम से निकाल सकते हैं, सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स माइनस का डी डैश अपॉन एक्स। और आपको अगर मैं बता दूँ न्यूट्रल एक्सिस की अगर आपको लोकेशन फाइंड करनी हो, दोस्तों अभी तो हमने आपको एक्स ए बताया, अगर आपको एक्स सी निकालना हो, दोस्तों अगर एक्स सी निकालना हो तो वही जानते हैं कि आप एक्स ए को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं एक्स सी से, तो फिर क्या होगा सिग्मा सी बी सी बटे पूरा एक्स सी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्स सी। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहां था, तो मैं बता देता हूँ आपको एक्स सी ऐसे निकलेगा सिग्मा सिग्मा सी बी सी बटे एक्स सी, ये बिल्कुल सेम है जैसा सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में था, तो यहां से एक्स सी आपका जाएगा एम इंटू सिग्मा सी बी सी से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका हम एक्स से निकालना चाहें कि एक्स से कैसे निकलेगा, ठीक है दोस्तों अब एक्स से देख लेते हैं निकलेगा, तो एक्स सी बताया मैंने, देखो इस पूरे उसकी वजह से अगर हम टेंशन की वजह से लेते थे सिंगली में तो उसका एक्स से हम कैसे निकालते थे, ऐसे तो निकालते थे बी इंटू एक्स ए इंटू इसका सी जी कहाँ काम कर रहा है इसके एक्स ए पर हाफ पर। ठीक है दोस्तों, इतना ये आप तो इतना हो गया उसका, अगर हमें इसका भी निकालना हो इसका इस वाले की वजह से, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कितने हम इस उसमें से निकालने की हम कितनी डालने कितनी 1.5 m-1 ASC इंटू एक्स ए माइनस का डी डैश। ठीक है, ये दूरी मैंने आपको बताई अभी कितनी है एक्स ए माइनस का डी डैश। यदि हमें मूवमेंट निकालना है तो मोमेंट निकालने क्या करेंगे इस वाले को और इस वाले को ऐड कर देंगे, बराबर क्या होगा एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए, जैसा आपने सिंगली रिइंफोर्स बीम में करा था बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वैसे ही। तो इस तरह से मैंने आपको एरिया मोमेंट निकालना बता दिया कि इस तरह से आपका निकलेगा। ठीक है दोस्तों, लीवर आर्म और बता देता हूँ मैं आपको, देखिए लीवर आर्म क्या होती है हमारी, लीवर आर्म की जब हम बात करें तो आपसे देखिए जैसे यहाँ ए एस सी है, तो आप जानते हैं लीवर आर्म क्या होती है, लीवर आर्म जो है इसमें दो लीवर आर्म होंगी आपकी डब्ल्यू आर सी सी में क्या होंगी दो होंगी, एक तो जो है ए एस सी की वजह से होगी और एक ए एस टी की वजह से होगी, दो की वजह से होगी। अब देखिए हम मान लेते हैं कि जेड डैश जो लीवर आर्म है वो हमारी किसकी वजह से है ए एस टी की वजह से है, तो वो तो वही होगी हमारी डी माइनस एक्स वाई थ्री जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पर इसकी वजह से निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आप पूरा डी है, पूरा डी है यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो एक्स ए वाई थ्री की वजह से हम निकाल लेंगे डी माइनस एक्स पूरे में से एक्स ए वाई थ्री माइनस कर देंगे। यदि हमें जेड डबल डैश मान लेते हैं हम कि लीवर आर्म ड्यू टू ए एस सी जो ऊपर वाला है, तो वो कितनी होगी डी माइनस का डी डैश, क्योंकि पूरा डी
और इसमें से डी डैश घटा दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी डी माइनस का डी डैश, वही हमारी लीवर आर्म होती है कि जहाँ हमने स्टील प्रोवाइड करी उसके सीधी से लेकर नीचे तक की डिस्टेंस, वही हमारी लीवर आर्म होती है। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। अब इससे अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के ऊपर लेकर आऊंगा जिससे आपको उसका न्यूमेरिकल भी इजीली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।